क्या ये मूवी वाकई में सच्ची घटनाओं पे आधारित है? और अगर ऐसा है तो जो इस मूवी के अंदर जो लोग दिखाए गए, जो क्रिमिनल थे, जो पुलिस से बच गए, क्या वो सच में हुआ है? ऐसे सवाल मेरे दिमाग में भी आए हैं, जिन्होंने ये मूवी देखी है उनके दिमाग में भी डेफिनेटली आएंगे। मैं बात करूंगा इसके बारे में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है सेक्टर 36, जिसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास है, और ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं कह सकता हूँ कि यार इसकी लेंथ कम रखी गई है, इसमें और चीजों को दिखाना चाहिए था। वो क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे चलकर। अभी बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कहानी क्या है। देखो, अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो डेफिनेटली आपको इसकी कहानी भी पता चल जाएगी, इसके अंदर क्या देखने को मिलने वाला है, कौन इसके अंदर कातिल होने वाला है, क्योंकि वो ट्रेलर में सब चीजें दिखा दी गई हैं। फिर भी अगर नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखो, सेक्टर 36 दिल्ली में एक जगह है जहां पर एक घर होता है। उस घर में प्रेम नाम का एक नौकर जो रहता है, वो अपने आसपास के इलाके में से, यानी सेक्टर 36 और उसके आसपास के इलाके में जहां पर माइग्रेंट बस्ती है, वहां के बच्चों को वो किडनैप करता है, मारता है। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि क्या मैं कोई आपको स्पॉइलर दे रहा हूं? नहीं, ये सब चीजें ट्रेलर में अवेलेबल हैं, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इस चीज को भी ध्यान रखने वाली बात है कि मेकर्स चाहते तो ये चीज छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं छुपाई। तो उनका इंटेंशन ये था कि आप विलन इसमें मर्डर के ऊपर फोकस ना करते हो, किसी चीज के ऊपर, मतलब किसी अलग चीज के ऊपर आप फोकस करो। वो क्या चीज है, जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ जाओगे। लेकिन जब ये प्रेम को एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर लाया जाता है, पुलिस ऑफिसर जब इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको लाया जाता है, जो ये बातें बोलते हैं वो यार रोंगटे खड़े कर देती है। वो क्या बातें होती हैं, क्या उसकी मेंटेलिटी होती है, क्या ये साइको किलर जो है वो किस लेवल की सोच रखता है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए क्या ये बात बोलते हैं कि वो जो कर रहा है वो उसने सही किया। देखो, हर एक क्रिमिनल की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके एक माइंडसेट होता है। किसी से क्रिमिनल से बात करोगे तो वो इस तरीके से बात करेगा, यार उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, उसने तो बहुत सही किया। ये भी अपना एक तर्क देता है इसके अंदर, प्रेम जो है वो एक तर्क देता है कि वो ये सब चीजें की क्यों की, उसके पीछे क्या रीजन था। खैर, वो सारी चीजें तो मैं नहीं बता सकता, ऑब्वियसली जब आप मूवी देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो ये हो गई मूवी की कहानी। हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है, क्या इसे हमें देखना चाहिए, क्या इसके अंदर देखने लायक वो चीजें हैं। देखो, मूवी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग साउंड करती है, क्योंकि काफी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और जो मैंने एक बात बोली कि देखो, मेकर्स का ध्यान आपका किसी इसकी मर्डर के ऊपर ध्यान ले जाना नहीं था कि हाँ यार इस मर्डर को कौन है ये पहचानना, कातिल कौन है ये पहचानना। उनका फोकस किसी और चीज के ऊपर था, उनका फोकस प्रेम के जो एक सोच है, जो जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो रही है, जो पुलिस इंस्पेक्टर जो है उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाता है, तो जहां पर वो एक ही बार में, कोई ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर ने उसे 2-3 बार सवाल पूछो, उसने एक ही बार पूछने पर सारी बातें बेधड़क, बिना डरे, बिना किसी पछतावे के वो बोल दियो कि उसने उन बच्चों को क्यों मारा। इवन उनके साथ और भी ज्यादा दरिंदगी हरकतें करी। आप सोचोगे यार ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, नहीं। जब आप ये सीरीज देखोगे, सीरीज क्या, ये मूवी देखोगे, तब वो चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। और प्रेम का इन्वेस्टिगेशन के अंदर 24 से 25 लोगों के कत्ल का, मतलब ये कहना कि उसने इतने कत्ल किए हैं और उसमें ज्यादातर बच्चे हैं, यार ये रोंगटे खड़े कर देती है। क्योंकि जो एक्सप्रेशन उस वक्त, या फिर जो एक बिना पछतावे के वो प्रेम वहां पर जो बातें बोल रहा है, यार वो रोंगटे खड़े कर देती है, वो दिल दहला देते हैं। और बेस्ट हॉरिफिक सीन मुझे वो लगा है, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस सोचने लग जाती है कि यार किस इंसान को पकड़ लिया हमने, क्या दरिंदगी है। अब आप सोचते हो कि यार हमें तो यार भूत पिशाच ये शैतान वाली मूवी होगी, उनसे डर लगेगा, लेकिन नहीं। आप इस मूवी को देखोगे तब आपको पता चलेगा जीता जाता इंसान भी किसी शैतान से कम नहीं है इसके अंदर, जो आपको देखने को मिले। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्रांत मैसी जी के द्वारा जो परफॉर्मेंस, यानी जो प्रेम का किरदार निभाया गया, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब उस इंसान को देखकर एक घृणा, एक नफरत हो जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरीके का किरदार उसके अंदर वो घुसे हैं उसके अंदर, वो बहुत काबिलियत तारीफ है। एक डर सा, एक खौफ सा उससे महसूस होगा, लगेगा यार ये तो शैतान है, शैतान से कम नहीं है, वो वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को। और ये पूरी मूवी जो एक तरीके से डिप्रेशन से भरी हुई है, जो मुझे लगता है कि यार हाँ इस मूवी के लिहाज से सही भी था, इसको होना भी चाहिए था। और जो इसकी एंडिंग है, कहीं आप सोचो कि यार हैप्पी एंडिंग होगी, ना ना ना, हैप्पी एंडिंग तो इसमें दूर दूर तक नहीं है, हैप्पी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, हैप्पी तो किसी का नाम भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एंडिंग है वो भी फुल ऑन डिप्रेशन है, मतलब
कहीं यार आपने, मैंने तो बहुत अलग एंडिंग एक्सपेक्टेशन की थी, वो चीजें नहीं है। लेकिन जिस तरीके की एंडिंग इसमें की गई है वो इस मूवी के पर्सपेक्टिव से मुझे तो लगता है कि यार हाँ सही थी। और अब सोशल मीडिया के ऊपर इस मूवी यानी सेक्टर 36 को लेकर एक केस है, मोहिंदर सिंह पंधार और सुरेंद्र कोहली करके, ये दोनों का केस इस मूवी से ही रिलेट करके देखा जा रहा है। मैं इसकी कोई सत्यापन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो केस है और जो इस मूवी में दिखाया गया वो सेम है। हालांकि 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को बरी भी कर दिया है। अब जो इस मूवी में जो दिखाया गया है वो कितना सच है उसकी सत्यापन तो मैं करने से रहा। हालांकि जो मेकर्स हैं इस मूवी के, उन्होंने तो खुद ये बात बोल दी है कि भाई हमने फिक्शनल प्लस ट्रू इवेंट्स को लेकर ये मूवी बनाई है। ट्रू इवेंट्स यानी सच्ची घटनाएं कौन सी, जहां पर बच्चे मारे गए, का अगवा किया गया, उनके कंकाल मिले, वो है कि हमने ट्रू इवेंट ले लिया। और जो भी चीजें हमने आगे दिखाई वो फिक्शनल तौर पे ले ली, यानी हमने अपनी तरफ से वो चीजें जोड़ दी। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर देखो आप लोगों का दिल कमजोर है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को मत देखना, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करें कि मूवी के अंदर क्या कमियां है। तो देखो जिनको एक हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि यार हमें एक अच्छी एंडिंग देखने को मिलेगी, सब लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। इसमें एक डिप्रेसिंग एंडिंग आती है। तो जिन लोगों को डिप्रेसिंग एंडिंग पसंद नहीं है, एक खराब एंडिंग पसंद नहीं है, खराब इन द सेंस की नेगेटिव एंडिंग पसंद नहीं है, तो वो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये आपको पसंद नहीं आने वाली है। बाकी मूवी का स्टार्टिंग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड तक जाते जाते यार ये मूवी निराश करती है। मूवी काफी सारे सवाल खड़े करके चले जाती है कि हाँ अब आगे क्या, बस इतना ही था क्या, ये इसके बाद कोई और पार्ट भी आएगा। इसमें कुछ एक सीन ऐसे भी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो सब चीजें नहीं की गई, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा मूवी का। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखो आप एक स्ट्रॉन्ग दिल वाले यानी आपका दिल मजबूत है, आपको एक नेगेटिव एंडिंग जो है वो पच जाती है, तो आप डेफिनेटली ये मूवी देख सकते हो। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7/10। देखो इसके अंदर वल्गर सीन तो नहीं है लेकिन गाली गलोच है, क्रुएलिटी ज्यादा है इसके अंदर, बच्चों को जिस तरीके से मारा गया है इसके अंदर वो सब चीजें दिखाई गई हैं, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये मूवी, एडल्ट के लिए ऑब्वियसली। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिए, एक डार्क सी एक डिप्रेशन सी फीलिंग आपको हो जाएगी मूवी देखने के बाद, कुछ देर तक तो आप अपना दिमाग ना सर पकड़े बैठे रहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।